आज आज महाविकास आघाड़ी के और कांग्रेस के कैंडिडेट दयानंद चोरके साहब फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता मौजूद है। हमारे साथ इकबाल सिद्दीकी साहब है जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, उनसे बात करेंगे कि क्या ताकत है और क्या सीट अपनी चुन कर आएगी और क्या विकास आगे होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं जो बड़ी तादाद में यहां पे आज समर्थन देने के लिए आए हैं। महाविकास आघाड़ी के हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार दयानंद चोरके जी को उम्मीदवारी मिली है। नाना पटोले साहब, बाला साहब थोराट और राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बढ़िया उम्मीदवार हमें दिया है। आज लगातार दयानंद चोरके जी अपने डिवाइन फाउंडेशन के जरिए समाज में बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार कांग्रेस पार्टी का मजबूत करने काम कर रहे थे। राहुल जी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी उसमें जो उन्होंने काम किया था, राहुल जी उससे बहुत प्रभावित हुए, जिससे उन्होंने यहाँ पे जिम्मेदारी दी है। आज कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव बालाजी साहब ठाकरे और समाजवादी पार्टी और तमाम समर्थक दल पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कुशासन था, जो गद्दारी करके कांग्रेस की और शिवसेना की, हमारे उद्धव जी की सरकार गिराई थी, जो हमारे यहाँ के उद्योग धंधे गुजरात भेजे जा रहे थे, उसके खिलाफ वोटिंग होनी है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत समय बाद कांग्रेस पार्टी का परचम भिवंडी में लहराएगा। दयानंद चोरके दादा जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे, ये पूरा यकीन है। यहाँ की जनता ने आज तक आदेश है उसका काम करते हैं और हम लोग चोरके के साथ, चोरके साहब के साथ में ईमानदारी से काम करेंगे। उसके बाद जो रहा विषय महाविकास आघाड़ी का, और चार दिन में तुमको दिखेगा कितनी महाविकास आघाड़ी की ताकत है, तो सब साथ में रहेंगे। अभी तो आप देख ले रहे हैं इतनी पब्लिक खाली फॉर्म भरने के लिए, ये तो शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। क्या लगता है आपके काम करेंगे? हम लोग इधर ग्राउंड में काम करेंगे लेकिन ऊपर तक में हमारे वरिष्ठ जो डिसीजन लेंगे उनके साथ हम लोग हैं। हमारे महाराष्ट्र में हर जगह पे बड़े जोर से त्यौहार होता है और ये पवित्र ऐसा दिन है आज हमारे महल, और इस पवित्र दिन के आज मंगलवार गणपति बाप्पा का भी त्यौहार है। आज हमने हमारे महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और अन्य दल महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट के कारण आज मैंने नाम नॉमिनेशन फॉर्म उतारा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे कांग्रेस के युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी, हमारे नित्या आदरणीय सोनिया जी गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सर्वे सर्वाधरणीय शरद चंद्र पवार, शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वासिम आदमी साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले साहब, हमारे मार्गदर्शक और विधिमंडल नेते और माजी मंत्री आदरणीय बालासाहेब थोराट, इनके आशीर्वाद से मुझे दो दिन पहले भिवंडी वेस्ट का ये उम्मीदवार घोषित किए और दो दिन भिवंडी में मैं सभी कार्यकर्ताओं को मिला, सभी महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को मिला। अच्छा माहौल है भिवंडी के अंदर, अभी बड़ी बात तो मैं करता नहीं, बहुत सारे भिवंडी में जो विरोधक जनता थी, जो विरोधक थे, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के अंदर बहुत विरोध है, लेकिन मैं यही सबको कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि मैं जो आपके जो न्यूज़ है, जो यूट्यूब पे चलती है, टीवी पे चलती है, तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो हमारा रैली है वो देखिए और बाकी जो पार्टी की रैली है वो भी देखिए, और मुझे सभी भिवंडी वासियों को
मेरी एक विनंती है कि जब ये रैली देखेंगी तब झूम करके देखो, झूम, ठीक है। जो मेरे ऊपर प्रेम जो प्यार करने वाले जो लोग हैं वो हमारे ग्रामीण से थोड़ा बहुत आए थे, लेकिन बाकी अगर कोई कोई बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इधर से आए उधर से आए, लेकिन ये जो पब्लिक थी, ये जो हमारे सब कार्यकर्ता थे, ये सब महा विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, एनसीपी के कार्यकर्ते थे, शिवसेना के कार्यकर्ते थे, समाजवादी के कार्यकर्ते थे, मेरे ऊपर प्रेम करने वाले लोग थे। सर कांग्रेस अध्यक्ष कहीं नजर नहीं आए? नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का मैंने फोन किया था, वो हमारे साथी है, कुछ कारण नहीं आ पाए, लेकिन एक दो दिन में वो हमारे साथ भी रहेंगे और कोई वाद नहीं है। और ये जो जो मैं नाम निर्देशन भरा हूँ, इसमें जो भी भिवंडी में जितने भी आम आदमी थे, सब पूरी जनता थी, अब देखिए कम से कम 15,000 के आसपास आज नाम निर्देशन भर फॉर्म भरने के लिए पब्लिक आई थी, बाकी किसी के पास नहीं थी। ये सब कांग्रेस के ऊपर प्रेम करना रहे लोग हैं, महा विकास आघाड़ी के ऊपर प्रेम करना रहे लोग हैं, हमारे राहुल जी गांधी के ऊपर प्रेम करना रहे लोग हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर जो 6 महीना जो चले वो सिर्फ राहुल गांधी है, उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो किए वो राहुल गांधी है। सबके ऊपर प्रेम करना रहे जो कोई नेता हमारा है वो राहुल गांधी है। आज भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार है, एक दो दल उनके पास है इसके लिए सरकार बनी है, नहीं तो हमारा राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनता था। जनता से क्या आह्वान करना चाहिए? लेकिन आगे जो है ये कभी भी गिर सकती है सरकार, उसके बाद में है अगर कोई देश का मुखिया बनेगा तो है हमारे राहुल जी गांधी, और उनके नेतृत्व में शरद पवार का जो हमारे राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा है उनके नेतृत्व में, शिवसेना के पक्ष प्रमुख जो उद्धव ठाकरे साहब उनके नेतृत्व में, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्मान्य नाना भाऊ पटोले इनके नेतृत्व में, हमारे समाजवादी के नेता अबू असीम उनके नेतृत्व में, हमारे मार्गदर्शक और विधिमंडल नेता आदरणीय मान साहब थोड़ा उनके नेतृत्व में, ये 20 तारीख को जो होने वाला जो चुनाव है उसके अंदर भिवंडी में ना कभी देखे होंगे इतना वोट मुझे गिरेंगे, और कम से कम 1,00,000 के ऊपर जो वोट है वो मुझे मिलेगा।